आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेट में दिन कौन सा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। हम सब अपनी डेट ऑफ बर्थ तो जानते ही हैं, लेकिन शायद बहुत थोड़े लोग होंगे जिनको ये बात पता हो कि जिस दिन वो पैदा हुए उस दिन कौन सा था। बहुत ही थोड़े लोग होंगे। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज आप जान जाएंगे कि जिस दिन आप पैदा हुए आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगी, लेकिन उस दिन क्या दिन था, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसे कैसे निकाला जाता है, अभी 10 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, किसी बीते हुए दिन की डेट पर कौन सा पर्टिकुलर दिन था उस बात को हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक हफ्ते में 7 दिन होता है, तो यहाँ पर 7 की डिविजिबिलिटी मतलब 7 से पहाड़ा 7 को भाग देना जरूरत पड़ेगी। जैसे अब एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन, ठीक है, महीने में 30 दिन होते हैं, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर्स में फरवरी 29 की होती है। तो इसमें क्या है, हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 × 4 मतलब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं है, 0। ठीक है, तो जब 0 आएगा तो संडे होगा। ठीक है, अब अगर इसमें आप देखें तो इसमें 7 × 4 + 1 इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है, 1 दिन आ रहा है। 30 वाले में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, 2 हैं, और 31 वाले में कितने हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज हैं। तो अगर एक्स्ट्रा डेज 0 आ जाए तो हम उसे संडे कहेंगे, और एक्स्ट्रा डेज 1 आ जाए तो हम मंडे कहेंगे, एक्स्ट्रा डे 2 आ जाए तो ट्यूसडे कहेंगे, एक्स्ट्रा डे 3 आ जाए तो ये हमारा होता है वेडनेसडे, एक्स्ट्रा डे 4 आ जाए, एक्स्ट्रा डे कहिए या ऑड डेज कहिए, ठीक है, ऑड डेज 4 आ जाए तो थर्सडे होगा, 5 आ जाए तो फ्राइडे होगा, 6 आ जाए तो सैटरडे होगा। तो ये तो आप इसको समझ लीजिए, इतना है। अब हम दूसरे स्टेप्स पर आते हैं। एक साल में आप जानते हैं, 1 ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं। अब इसे 7 से डिवाइड कीजिए तो आप देखेंगे कि 7 × 5 = 35 मतलब 7 × 5 = 35 और उसके बाद 15 बचा, तो 7 × 2 = 14 इसमें कितना है, 1 ऑड डेज है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, तो इसमें 366 डेज होते हैं, तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। ये दो बातें तो आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए हमने एक साल का देखा, अब हम मान लीजिए 100 साल का देखना चाहते हैं, तो 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 100 साल में जब आप देखेंगे तो इसमें 76 तो नॉर्मल ईयर होंगे और इसमें 24 जो है ये लीप ईयर होंगे, क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें 76 डेज और प्लस, तो इसमें लीप ईयर में 2 डेज आते हैं तो इसका कितना हो गया, 48 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 ये आ गया आपका 1, 2, 4। तो अब यहाँ 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं, ये आपके 5 ऑड डेज आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये आपका 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा डेज, तो 400 सालों में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 400 सालों में, देखिए 400 सालों में क्या होगा कि ये एक जो शताब्दी वर्ष कहा जाता है इसे,
तो ये जो इसमें जो एक लीप वर्ष भी पड़ जाएगा, सॉरी शताब्दी नहीं कहते हैं इसको, मतलब शताब्दी तो 1000 होगा ना, तो ये 400 है, इसमें तो एक ये 4 से डिवाइजिबल, एक लीप ईयर्स भी आ जाएगा, तो 5 चौक 20 पूरे पूरे जो है 5 चौक 20, 100 साल में 5, तो 400 साल में इतने हो गए, तो प्लस एक लीप वर्ष भी आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा, इसमें मतलब 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से 800 में भी 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे, और ये 4 के मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे हम, और ये सारे के सारे 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो ये बातें समझ में आ गई, दो चीज़ें, पहली ये कि अगर एक्स्ट्रा डेज 0 होगा तो संडे, 1 होगा तो मंडे, 2 होगा तो वेनसडे, और दूसरी बात ये हुआ कि एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, मतलब वीक के हिसाब से 7 से डिवाइड करने पर, और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, और 100 सालों में कितने, 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 400 सालों में कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा, इसी तरह से 4 के मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे तो 800 सालों में भी कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा, 1200 में भी नहीं, 1600 में भी नहीं, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उस हिसाब से फिर आप अपनी एज का खुद ही से निकाल लीजिएगा। तो 15 अगस्त 1947 में हम इसको क्या 1946 अलग कर लें, इतने साल तो अलग हो गए, ठीक है, और प्लस उसके बाद कितना बचेगा, 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का दिन, ठीक है, ये हमने इसको पार्ट कर लिया। अब इसमें देखिए 1900 को हम कैसे अलग करेंगे, जो हमने 4 में लिखा था 1600 अलग कर लें तो बचा कितना 346 ईयर, 1600 ईयर को अलग कर लिया और फिर 300 ईयर को अलग कर लिया, कितने हो गए 1900 प्लस फिर 46 ईयर को अलग कर लिया, ये हो गया 1946 प्लस 1 जनवरी से 15 अगस्त, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बात को मैंने शुरू में बताया कि जब 1600 साल में 1 0 भी कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं आएगा, और 300 दिन में कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे, 100 साल में 5 दिन, तो 300 साल में 15 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। 46 ईयर में इसमें 35 साल जो है वो 365 वाले होंगे और 11 साल जो है वो लीप ईयर होंगे, क्यों, 4, 8, 12, 16, 20, 4 से जितने भी मल्टीपल होंगे वो लीप ईयर होते हैं, तो 40 तक में तो 10 हो गया, फिर जो 44वां होगा वो 11 हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि 35 प्लस 11 ईयर, ये 11 क्या है, लीप ईयर है, और 1 जनवरी से 15 अगस्त तक कितने दिन होंगे, जोड़ लीजिए, ये आपका 31 जनवरी 1947 लीप ईयर नहीं था तो इसका मतलब 28 होगा, है ना, 28 की फरवरी होगी, 31 मार्च, 30 दिन अप्रैल में, 31 दिन मई में, 30 दिन जून में, और 31 दिन जुलाई में, और 15 दिन जो है वो अगस्त के, तो टोटल कितने हो गए, 8, 2, 10, 7, 17 कैरी 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 22 कितना, 1 जनवरी से 15 अगस्त तक 227 दिन, 227, ठीक है।
अब देखिए यहाँ तो जीरो है, अब यहाँ से फिर सेवन से डिवाइड करिए इसको, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा प्लस 35 साल में, एक साल में 365 दिन वाले नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ से 35 में से 35 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा प्लस लीप ईयर में दो दिन एक्स्ट्रा होता है तो इसमें 22 आ जाएगा। ये डेज में आ गया ना, वाई ईयर था अब ये डेज में आ गया। अब इसको सेवन से आप डिवाइड करिए तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा, 7 3 20 21 और उसके बाद 17 है, 17 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 14 गया, 3 आया, 3 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो 0 प्लस 1 प्लस ये अब पहले तो ईयर थे, अब ये डेज में आ गए, ये डी मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ईयर था ये डी, अब ये हो गए 57 डेज। ठीक है, प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस 57 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए वीक, तो कितना 56 में 7 8 द 56 7 अटे 56, तो एक दिन जो है एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, और प्लस 3, ये सारे जो है अब दिन में आ गए, मतलब कोई भी नंबर 7 से ज़्यादा नहीं है, मतलब एक वीक से कम ही में है, तो इन सब को सम कितना हो गया, 5 आ गया। अब 5 आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, हमने 0 डेज एक्स्ट्रा डेज आते हैं तो संडे है, एक दिन एक्स्ट्रा है तो मंडे है, इस हिसाब से ये आपका फ्राइडे था, क्या था, जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन फ्राइडे था। ओके, अब जल्दी से फटाफट कलम और कागज उठाइए, अपनी डेट को लिखिए, डेट ऑफ बर्थ को लिखिए, और इस तरह से जितने भी कंप्लीट ईयर्स हों उनको पहले लिखिए, उसके बाद जो मंथ है उनको लिखिए, मंथों को काउंट कीजिए उनके डेज को, और फिर उसके 4 के मल्टीपल में ईयर्स को अलग करिए, बाकी जो एक्स्ट्रा ईयर्स हैं, और उसके बाद उसमें से लीप ईयर से देखिए, और इस तरह से रख के आप बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई